रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमामीन। आज हम तंदूरी नान बनाएंगे और उसको तवे पे बनाएंगे, ठीक है? और जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि हमने जो ये तंदूरी नान हमेशा देखा होगा कि सफ़ेद आटे का या मैदे का जैसे भी बनाते हैं, लेकिन मैं लाल आटा भी यूज़ करूँगी, जैसे चक्की का आटा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट सफ़ेद आटे से बना सकते हैं, तो मैं दोनों आटा यूज़ कर रही हूँ। जैसे क्वांटिटी मैंने इसकी और इसके लिए सेम ली है, आप सारा एक ही आटा ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं पूरा और ये भी। 2 कप मैंने मैदा लिया, 2 कप मैंने आटा लिया, ठीक है? एक अंडा है, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे आपको जायका हो, तेज़ या कम खा सकते हैं या जैसे भी आप खाते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून के करीब मैंने मीठा सोडा लिया है जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने दही लिए हैं। और ये तिल जो है वो तो हम जब बनाएंगे नान तो उस पर लगाएंगे, ये तो खैर आखिर की चीज़ है। अभी तो हम आटा गूनने का आपको बता देते हैं, और पानी भी हमें चाहिए होगा। मैं आपको गून के बताती हूँ कि कैसे कितना हमें पानी चाहिए होगा। मैदा, आटा, दही, मीठा सोडा, थोड़ा सा हल्दी मिर्च का कर देना, एक मिनट एक मिनट ना देखा। हाँ ठीक है ठीक है, होने जा रहा है। चीनी, नमक, बाजार के नान में ना थोड़ा नमक थोड़ा तेज ही होता है इनका। अंडा, और इसका आटा आपने ना जैसे आटा नॉर्मली हम गूंथते घर में वैसा ही गूंदना है, ज्यादा सख्त नहीं और ज्यादा भी नरम नहीं। गूंद के ना इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते गूंदेंगे, टकराते ही आटा 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 आटा। एक बार टन हो गया ना, गूंद लिया आपको मैं गूंदना जो है ना, हल्का हल्का पानी डाल के आपने गूंदना। ये देखें, थोड़ा सा और जाएगा। मैंने देखा 1 गिलास भी पूरा यूज नहीं किया, और इसको हमने ना गूंद के 4 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है ढककर, ठीक है? अभी तो खैर 2-3 मिनट में हम इसको एक जैसे ये खूबसूरती नहीं आ रही, इसको खूबसूरती भी आनी चाहिए। ये देखिए अभी 1-2 मिनट में मैं इसको और भी गूंद के सही करके बताती हूँ। देखिए 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको ना वो एक मुक्की दी है, तो ये जो है ना सही हो गया। अब इसको हमने ढक के ना छोड़ दे इसको यहाँ पे, 4 घंटे के बाद मिलते हैं। ये देखिए 4 घंटे हो गए हमने आटे को रखा होता है ऐसे ही। अब जो है ना हम इसके पेड़े बनाएंगे, तो पेड़े बनाने के लिए हमने क्या करना है, पुष्का लिया है, उसके को आपने रखना है। और एक प्लेट में हमने ये रखा है, तिल रखे हैं सफ़ेद तिल, छोटे छोटे आपने पेड़े कर लेने हैं, और पेड़े भी आप जो करके थोड़ी देर रख लें। आपको मैं बता दूं कि आटा थोड़ा सा मैंने नरम गूंदा है, क्योंकि नरम गूंदने का फायदा ये होता है कि आपकी रोटी जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और इसको हमने घी लगाकर पेड़ा नहीं करना, कि हम घी लगा ले तो फिर जो है ना वो इसको करना है, इसको घी लगाएंगे तो ये रोटी जो है ना ये आपकी सही नहीं बनेगी। ऐसे प्लेट च रख ले। अच्छा ये देखिए इस प्लेट में हमने इसको एक साइड पे करते हैं। अच्छा एक इसको तो और ही साइड पे कर दें, और इसको इस साइड पे करके तो इसी तरह जो है ना मैं बाकी के भी
देखिए पेड़े हमने इसको कर लिए थे, अब हम इसको बेलेंगे। किचन में इसलिए मैंने नहीं बेला क्योंकि वो फिर कैमरा जो है ना आपको सही तरह फोकस नहीं होना था, ये तवे पर बन रहे हैं ना इसलिए। इस पर हमने तिल लगाने सबसे पहले, फिर इसको बेलेंगे। थोड़े से लगा लें। अच्छा, इतनी खूबसूरती रोटी में इसलिए नहीं आपको लगेगी क्योंकि लाल आटा है ना, मतलब चक्की का आटा है। आप चाहे तो सफ़ेद आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने बेल के कांटे से आपने इसको थोड़ा सा अच्छा। अब क्या करना है, हमने जब तवे पे डालनी है रोटी तो इसको हमने बैक साइड पर हमने इसको पानी लगाना है। ठीक है, पानी अच्छी तरह लगना चाहिए। जैसे ही तवे पे डाली हमने रोटी तो ये थोड़ी देर में फूलना शुरू हो जाएगी। जब फूलेगी तो फिर हम इसको तवा जो है ना उल्टा कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब जो है हमें इसको हल्का हल्का सा सेक देना है, इतना ज़्यादा नहीं। हल्का तवा ले रहा है आपने, वजनी नहीं लेना वरना तो हाथ थक जाएगा आपका। हल्के तवे से ये होगा कि आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने नॉन स्टिक तवा लिया है तो फिर ये रोटी गिर जाएगी और फिर प्रॉब्लम नहीं है गिरने की। मसला ये है कि फिर आपने इस तरह चिमटे के साथ पका लीजिएगा। बिल्कुल हल्का हल्का से सेक दीजिएगा। बहुत माजरत के साथ के मैं इस जगह पर बैठी हूँ, मुझे शोर बाहर से बहुत शोर आ रहा है। और बिल्कुल भी चिपका के नहीं रखना आपने, बिल्कुल ऊपर ऊपर रखना ताकि उसका हल्का सा सेक लगे, ना कि इतना ज़्यादा सेक लगे कि वो रोटी जो है ना वो जल जाए। देखते रहिएगा। रोटी बन गई तो इस तरह आपने सारी रोटियां जो है ना वो बना लेनी है। मेरे घर में हमें इससे ज्यादा जरूरत है वरना ये जल जाएगी। ये देखिए पीछे से देखिए और आगे से देखिए, पक गई ना। अब क्या करते हैं, अब इसको हमने चंगेटे में निकाल के देखिए कितनी फूली फूली सी रोटी बनी है। ये देखिए सही। अब मैं आपको तमाम रोटियां जो है ना वो बना के इसी तरह बताती हूँ। चूल्हा जो है ना आपने स्लो कर देना क्योंकि आपने जो बैक साइड है वो जले ना, और जब पलटना है तो फिर तेज़ कर लीजिएगा। ये दूसरी है, मैंने दो ही रोटियां बनानी है क्योंकि आज हमारे घर में चावल बने ना तो रोटी तो फिलहाल कोई खाएगा ही नहीं। रोटी सड़ गई। हाँ, वो असल में यहाँ से जल गई है। वो तो मुँह थले करना नजर नहीं आ रहा तेरे। हाँ, तवा होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए उतनी जगह। हाँ, ठीक है ना। मैं ना नीवा सेर कर लिया पर उन्हें मजा आ नजर आए। हाँ ना, वही ना, उन कच्ची भी तो नहीं रखनी चीज़। हाँ, कच्ची भी नहीं खाती जाती। कई बार मैं पता है बाजारों अगर लेनी है ना सी कहना थोड़ी पकाई ठीक है ना। हाँ सही है, जरा सा साड़े दी खैर ला ले। हां, ना साड़ तो जमा हो दूसरी हो जाता है घर आ जाते फिर आ लिया ही कुछ होता है।
دونوں ماشاءاللہ موٹی موٹی پکی رہی ہیں، باقی دو پیڑے میں پہنچ چکا ہوں۔ تلے کار اوتھے رکھ۔ ہاں یہ دیکھیں، ہاں یہ ذرا جو ہے نا چھوٹی بن گئی، ذرا بڑی بنی، تھوڑی ادھر کر کے دس۔ ہاں ادھر یہ دیکھیں کتنی زبردست، کتنی موٹی بنی ہے، کتنی پھولی ہے ماشاءاللہ۔ باقی جو دو پیڑے نا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں کیا وہ مطلب میں آپ میں خود گھر میں بعد میں بتا لوں گی، ابھی میں دو پیڑے ہی بنائے ہیں۔ چاول بنے ہوئے بیلا وجہ ضائع جائے گی روٹی۔ اچھا میں یہ بتا دوں کہ ہوں میں کچن سے چلی گئی۔ چل یہ دیکھیں دو روٹیاں میں نے بنائی ہیں، دو پیڑے میں نے جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں، اٹھا کے رکھ دیتی ہوں اس کا، اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بنا لوں گی۔ لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کہ طریقہ کار جو ہے نا سیم رکھیے گا تو اسی طرح کی آپ کی روٹی بن جائے گی۔ دیکھیں کتنی زبردست پھولی پھولی سی روٹی بنی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی صحیح بنی ہے پیچھے سے بھی۔ اور اچھا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ نا جہاں پر میں نے ابھی روٹیاں بنائی وہاں پہ کافی شور تھا، تو جس کی وجہ سے میں بے سکون سا فیل کر رہی تھی، اس لیے میں نے دو ہی بنانی بہتر سمجھا اور میں فوراً کچن میں آ گئی ہوں۔ تو یہ کہ آپ نے سیم اسی طرح بنانی ہے، تو آگے عید ہے، آپ کا دل جائے گا تندور کی روٹی کھانے کو، تو باہر کے ملکوں میں جو یورپ کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ تندور میں روٹی مل جاتی ہوگی شاید، مجھے نہیں پتہ کہ ملتی ہوگی نہیں ملتی ہوگی، لیکن اگر آپ گھر پہ بنائے تو آپ کے تو وہ مزے ہو جائیں گے کہ آپ گھر پہ تندور کی روٹی کھائیں گے، انشاءاللہ انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں پنجابی دس ہاں کہ میں نا میدا تو جو ہے نا آٹا دونوں برابر کوانٹٹی چل لیا سی، اگر تھی چٹا پکانا دیکھو نا کوئی فرق نہیں ہے کہ بہت ہی چٹی ہوئے گی تو پھر سونی لگے گی، اسی تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ چٹی روٹی ہے تو سونی لگ رہی ہے، یہ نہیں پتا وہ ٹیڑھ سے جا کے کن نقصان دے۔ تو گندم کا آٹا جو لال والا آٹا وہ بہتر ہے تھوڑے واسطے، تھوڑی صحت واسطے، تو وہ تھوڑا سارا پا لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں لون پایا سی تو چینی پا کے انڈا تو رو پا کے دہی پا کے گن لیا سی، انہوں میں رکھتا سی چار گھنٹے واسطے، اس بعد میں پیڑے بنا کے روٹی تھوڑے سامنے پکائی ہے۔ تو ٹھیک ہے تسی اس چیز نو ریسیپی نو انجوائے کرو، تو منظور تھوڑا چیاد رکھنا، اوکے اللہ حافظ۔